इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे गोंदिया स्टेशन पे कोई नहीं था, तभी वहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आके रुकती है। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में बैठे सभी लोगों को साफ सूंघ जाता है। ट्रेन से रुद्र का दोस्त पीयूष उतरता है और ट्रेन बिना उरन मारे हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। यह एक ऐसा था जैसे ट्रेन के ड्राइवर को भी पता हो कि यहाँ ट्रेन रोकना खतरे से खाली नहीं है। जब पीयूष आगे बढ़ता है तो देखता है कि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है और उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वह वहीं पर रुद्र का इंतजार करने लगता है और बेंच पे लेट जाता है। पीयूष की आंख लगी ही थी कि उसके कानों में पायल की आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की जिसके हाथों में खिलौनों की टोकरी थी अपनी टोकरी में से एक डॉल निकालते हुए पीयूष को देती और बोलती है, बाबू मेरा खिलौना लो ना। पीयूष उस लड़की से बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो जो इतनी रात में खिलौने बेच रही हो, मुझे नहीं लेना तुम्हारा खिलौना। लड़की पीयूष से बोलती है, बाबू मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, बस 100 रुपए की तो डोल है ये, आप ले लो। पीयूष को उस पर दया हो जाती है और वो उससे डोल खरीद लेता है। तब पीयूष उस लड़की से बोलता है, तुम्हें रात में यहाँ पे डर नहीं लगता क्या? तब वो लड़की बोलती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर मुझे देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं क्योंकि सब कहते हैं कि इस स्टेशन पर रात में चुड़ैल घूमती है और मुझे ये चुड़ैल समझ लेते हैं। इस पर पीयूष कहता है, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। इस पर वह लड़की पीयूष से कहती है कि आप नीचे तो देखिए एक बार, और जैसे ही पीयूष नीचे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी जान उसके हलक में अटक जाती है। पीयूष देखता है कि उस लड़की के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। देखते ही देखते उस लड़की का चेहरा काला पड़ने लग जाता है, उसमें दरारें पड़ने लग जाती है और उन दरारों में से खून टपकने लग जाता है। उसके दांत नुकीले होने लग जाते हैं जैसे किसी कुत्ते के दांत, और उसके बाल अपने आप हवा में खुल जाते हैं। पीयूष जोर से चीखता है और वहाँ से भागने लगता है, पर भागते हुए वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और वहीं पर भागता रहता है। भागते भागते वह हाँफने लग जाता है और रुक जाता है। पीयूष के कानों में चुड़ैल के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके पीछे से आ रही है। पीयूष मन ही मन बढ़ाता है, हे भगवान आज मुझे अचल में मरना नहीं चाहता आज। इतने में ही कोई पीयूष का हाथ पकड़ लेता है। तब पीयूष सोचता है, आज तो मैं गया, और वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि रुद्र और राम काका उसके पीछे खड़े हुए थे। पीयूष कुछ बोल पाता उससे पहले ही रुद्र उससे पूछता है, तू स्टेशन पे खड़ा होकर एक जगह भाग क्यों रहा है, मॉर्निंग वॉक करने लग गया है क्या? पर पीयूष कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभी भी चुड़ैल का वही भयानक रूप घूम रहा था। रुद्र पीयूष से फिर दोबारा बोलता है, अरे भाई कुछ बोलेगा भी, और तू इतना डरा हुआ क्यों है? तब पीयूष हिम्मत करके बोलता है, भाई मैंने स्टेशन पे यहाँ पे एक चुड़ैल देखी थी। रुद्र पीयूष को बोलता है, पागल हो गया क्या, चुड़ैल कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। तब पीयूष बोलता है, यार थी, उसने मुझे एक डोल भी दी थी, रुक तुझे मैं वो डोल दिखाता हूँ। और वह वहाँ पर जाने लगता है जहाँ पर उसने मेज पर डोल को रखा हुआ था, पर वो हड़बड़ाहट में देखता है कि वहाँ पर कोई डोल नहीं थी। तब पीयूष बोलता है, यार मैंने यहीं तो रखी थी, पर अब दिखाई क्यों नहीं दे रही? तब रुद्र बोलता है, होगी तभी तो दिखाई देगी ना, जाने स्टेशन पर तुझे कौन सी लड़की दिखाई दे गई, देख ध्यान से, पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है, तूने चढ़ा तो नहीं रखी ना जो बैकी बैकी बात कर रहा है। तब पीयूष बोलता है, नहीं यार, उस लड़की ने यह भी बताया था कि वो तुम्हारे गांव के पास के गांव मेघ गांव में रहती है। तब राम काका मुंह फाड़ कहते हैं, क्या कहा, मेघ गांव में रहती है? इस पर रुद्र बोलता है, वो मेघ गांव में कैसे रह सकती है, मेघ गांव तो 18 साल से बंद पड़ा हुआ है। तभी राम काका रुद्र के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, कहीं वो यहाँ पे तो नहीं आई थी? मालिक मैंने आपको मना किया था कि रात में स्टेशन पे आना खतरे से खाली नहीं है, आपके दोस्त से तो उसने मुलाकात कर ली, कहीं वो आपसे मुलाकात ना कर ले। तभी रुद्र बोलता है, राम काका प्लीज़ आप दोबारा से चालू मत हो जाइए, उस चुड़ैल की बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ मैं। तब राम काका कहते हैं, मालिक अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम सूर्योदय होने के बाद ही यहाँ से चलेंगे। पीयूष तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब रुद्र पीयूष से कहता है, हम यहीं पे थोड़ी देर आराम करेंगे, और सभी चलकर वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। 2 घंटे बाद सूर्योदय होने लगता है और सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। राम काका जिप्सी चला रहे थे और उनके बगल में रुद्र बैठा हुआ था। पीयूष को लेने उसके दोस्त भी आए हुए थे। पीयूष के साथ जो भी हुआ था सब रुद्र ने अपने दोस्तों को बता दिया था। इस पर सभी हंसने लग जाते हैं। तब राम काका बोलता है, कुछ दिन रुको यहाँ पर, तुम सबको भी यकीन हो जाएगा कि चुड़ैलें होती हैं। इतने में अर्जुन सोचते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि पास के गांव में 18 साल पहले एक लड़की को जला दिया गया था, कौन सा गांव था? हाँ मेघ, क्या ये कहानी सच है? तब राम काका बोलते हैं, कहानी नहीं हकीकत है, अक्सर लोग हकीकत को कहानी बना देते हैं, पर ये बात
सच है। इतने में समीर बौखलाहट के साथ कहता है, तो क्या वो अभी भी मेघ गांव में घूम रही है? तब राम का कहते हैं हाँ, और लगता है जल्द ही उसका इंतकाम पूरा होगा। इतने में अब अनन्या घबराते हुए कहती है, कौन सा इंतकाम राम का? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे